So if you want to change the world, start off by making your bed. एडमिरल विलियम मैक्रेवन की ये स्पीच इतनी ज्यादा वायरल हुई जिसके बाद उन्हें 15 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले कि उसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ के सबसे बड़े लेसन्स को एक किताब में डाल दिया और इस किताब का नाम है मेक योर बेड। किताब शुरू होती है आपको जल्दी उठकर अपना बिस्तर बनाने की सलाह से। विलियम यूनाइटेड स्टेट नेवी से रिटायर्ड 4-स्टार एडमिरल हैं जिन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स स्पेशल ऑपरेशन कमांड के 9th कमांडर के तौर पर काम किया। मेक योर बेड, स्मॉल थिंग्स दैट कैन चेंज योर लाइफ एंड मे बी द वर्ल्ड। इस बुक में इन्होंने 10 लाइफ लेसन डिस्कस किए हैं जिनसे उन्हें अपने नेवल करियर में बहुत मदद मिली और साथ साथ उनकी पूरी जिंदगी में भी बहुत कॉन्ट्रीब्यूट किया। उन्होंने समझाया है कि कैसे कोई भी इन बेसिक लेसन का यूज खुद को और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कर सकता है। लेकिन इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अपने दिन की शुरुआत एक काम पूरा करने के साथ करें। अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं, शुरुआत अपना बिस्तर बनाने से करें। एज अ सील ट्रेनी, विलियम के दिन का पहला टास्क होता था अपने बिस्तर को इंस्पेक्शन के लिए तैयार करना। बिस्तर को अच्छे से बनाना एक तारीफ पाने का मौका नहीं होता था। ये उनके डिसिप्लिन और डिटेल्स के प्रति अटेंशन को दर्शाता है। ये इस बात की भी याद दिलाता है कि फर्क नहीं पड़ता कि आज का दिन कितना बुरा था, आपने कुछ तो अच्छा किया ही है। उनके पास गर्व करने के लिए कुछ था। अगर आप छोटी चीजें सही से नहीं करते हैं तो आप बड़ी चीजें कभी भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। जिंदगी मुश्किल है, दिन लंबे हैं और घबराहट वाले मोमेंट से भरे पड़े हैं। कभी कभी लगता है अपने दिन का आउटकम बदलने के लिए आप बहुत कम चीजें कर सकते हैं। डेली लाइफ में एक स्ट्रक्चर की समझ की जरूरत होती है। एक टास्क कंप्लीट करने का सिंपल सा काम आपको एक्स्ट्रा प्राइड या मोटिवेशन दे सकता है जिसकी आपको अपने दिन को जीतने के लिए जरूरत हो। आइडिया ये है कि अगर हम एक टास्क कंप्लीट कर लेते हैं तो ये स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट करता है और तब हम दूसरे काम को करने का मोटिवेशन ढूंढ पाएंगे। ये सिंपल एक्ट हमें एक प्राइड का अनुभव देता है जो हमें पूरा दिन कैरी करता है जब तक कि हम वापस अपने बिस्तर पर नहीं लौट जाते। कुछ सालों में एक लाइफ चेंजिंग इंजरी होने के बाद विलियम ने कई महीने हॉस्पिटल में बिताए। उनकी रिकवरी के बाद पहली चीज जो उन्होंने की वो थी अपना बिस्तर बनाना। बिस्तर बनाने का ये सिंपल सा काम उन्हें उम्मीद देता था और उनके बेहतर होने के लिए डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन को दिखाता था। टीम वर्क ही की है। अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो किसी ऐसे इंसान की तलाश करें जो आपको पैडल मारने में मदद करे। फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने इंडिपेंडेंट हैं, सच्चाई ये है कि आप इसे अकेले नहीं कर सकते। हम सभी लाइफ में मुश्किल वक्त का अनुभव करते हैं लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें उन्हें अकेले ही पार करना है। सील ट्रेनिंग में टीम वर्क की वैल्यूज पर जोर दिया जाता है। लड़ाई में किसी और पर निर्भर होना जिंदगी और मौत की वजह बन सकता है। जहां पर भी विलियम अपनी सील ट्रेनिंग के दौरान गए वो और उनके क्लासमेट्स को एक 10 फीट का रबर राफ्ट उठाना होता था और इसे समुन्द्र तक लेके जाना होता था। जब विलियम बीमार होते या थके होते तब दूसरे मेंबर इसे उठाते और जब वो लोग पूरी तरह फिट नहीं होते तो विलियम उनकी मदद करते थे। मुश्किल दौर से गुजरने के लिए आपको जीवन में लोगों की जरूरत पड़ती है। आप बोट को अकेले पैडल नहीं मार सकते। लाइफ में आपको ऐसे मुश्किल टास्क का सामना करना पड़ेगा जिनके लिए आपको दूसरों पर निर्भर होना होगा और इसके लिए टीम वर्क की जरूरत होती है। आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको अच्छे लोगों की एक टीम की जरूरत होती है। अपनी लाइफ को शेयर करने के लिए किसी को ढूंढें। जितना ज्यादा पॉसिबल हो उतने दोस्त बनाएं। कभी ना भूलें कि आपकी सक्सेस दूसरों पर निर्भर करती है। विलियम कहते हैं, मैंने कई सेटबैक देखे और हर केस में मेरी मदद करने को कोई ना कोई आगे आया। कोई ऐसा जिसे मेरी एबिलिटीज पर भरोसा था, कोई ऐसा जिसने मेरा पोटेंशियल तब देखा जब दूसरे नहीं देख पाए, कोई ऐसा जिसने मेरे करियर को बेहतर बनाने के लिए खुद की रेपुटेशन को खतरे में डाला। मैं उन लोगों को कभी नहीं भूला और मैं जानता हूं कि जो कुछ मैंने लाइफ में अचीव किया है वो रास्ते में दूसरों की मदद की वजह से ही हो पाया है। हमेशा फ्यूचर की तरफ देखें। अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं, मेक श्योर करें कि आप आगे बढ़ रहे हैं। जिंदगी के स्ट्रगल को या बाहरी फोर्सेस को ब्लेम करना आसान है, कोशिश ना करना भी आसान है क्योंकि आप जानते हैं कि आपका नसीब आपके खिलाफ है। कभी कभी आप कितना भी कोशिश कर लें, चाहे आप कितने भी अच्छे हों, आप असफल हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो शिकायत ना करें, खड़े रहें, भविष्य की तरफ देखें और बढ़ते रहें। लाइफ फेयर नहीं है, इस चीज से बाहर निकलें। आपको हमेशा अपने हार्डवर्क या परफॉर्मेंस के लिए इनाम नहीं दिया जाएगा। हार मान लेना या लाइफ में अनफेयर लगने पर कोशिश करना छोड़ देना आसान होता है लेकिन लाइफ आसान नहीं है और जितना जल्दी आप ये जान लेंगे
उतना आपके लिए बेहतर होगा। कभी कभी आप चाहे जितनी कोशिश कर लें, आप असफल हो जाएंगे। जब कोई चीज आसान ना हो तो शिकायत ना करें। आम आदमी और महान आदमी इस बात से डिफाइन किए जाते हैं कि किस तरह वो लाइफ की इस अनफेयरनेस से डील करते हैं। और इन सक्सेस फंडामेंटल्स को और अच्छे से समझने के लिए आप कुकू एफएम की ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और सुन सकते हैं बुक्स जैसे कि सक्सेस थ्रू पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, द मिरेकल ऑफ राइट थॉट और पॉजिटिव थिंकिंग। अभी नए साल के सेलिब्रेशन की वजह से चल रहा है नया साल नया बदलाव, जिसे इनिशिएट किया है कुकू एफएम ने, क्योंकि यही सही वक्त है नई होप्स को सेलिब्रेट करने का। हमारे 2022 के गोल्स को पूरा करने के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड और एक सही माइंडसेट की जरूरत है, जो सिर्फ कुछ नया सीख कर ही किया जा सकता है। और इसके लिए कुकू एफएम से बेटर प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप यहां पर हजारों बुक्स को एक्सेस कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक ही बुक के एक्चुअल प्राइस में। सो इस साल का न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो आप ले सकते हैं वो है इन सभी ऑडियो बुक्स को सुनना। और अभी एनुअल सब्सक्रिप्शन पर चल रहा है 50% डिस्काउंट, जिसके लिए आपको डालना होगा कूपन कोड NY50 और आप पे करेंगे 300 रुपए की जगह सिर्फ 199 रुपए। ये ऑफर सिर्फ 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक है, उसके बाद वापस से कॉस्ट 399 होगा। डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, इमीडिएटली डाउनलोड करें। डिटर्मिनेशन होना टैलेंट होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो किसी इंसान को उसके दिल के साइज से नापें। डिटर्मिनेशन और ग्रिट हमेशा टैलेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सील ट्रेनिंग इस बात का एक परफेक्ट एग्जाम्पल था। कुछ भी मैटर नहीं करता, लेकिन सफलता के लिए आपकी इच्छा शक्ति करती है। सील ट्रेनिंग हमेशा कुछ प्रूव करने के बारे में थी, इस बारे में कि साइज मैटर नहीं करता, इस बारे में कि आपकी स्किन का कलर मैटर नहीं करता। ये प्रूव करती है कि पैसा आपको बेहतर नहीं बनाता। ये प्रूव करती है कि डिटर्मिनेशन और ग्रिट हमेशा टैलेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टैलेंट एक इनबॉर्न क्वालिटी है जो हमें सक्सेस अचीव करने के लिए कैपेबल बनाता है, जबकि डिटर्मिनेशन और प्रिजर्वरेंस हमें कुछ हासिल करने के काबिल बनाता है। ये सक्सेस को हासिल करने की ही इच्छा होती है जो एक डिफरेंस क्रिएट करती है। एक इंसान जिसके पास टैलेंट है, हो सकता है उसके पास सक्सेस हासिल करने की क्षमता हो, लेकिन इसे हासिल करने के लिए आपको इसकी दिशा में काम करना होगा। इसके लिए जरूरत होती है इच्छा की, जो कि मिलती है डिटर्मिनेशन और डटे रहने से, और आपको बिना थके काम करना होगा। एक इंसान जिसके पास टैलेंट नहीं है लेकिन डिटर्मिनेशन है, वो भी सक्सेस को पा सकता है। ये एक इंसान के फ्यूचर को शेप देने में मदद करता है। लोग जिनके पास टैलेंट, डिटर्मिनेशन और प्रिजर्वेंस है, वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये हासिल किया जा सकता है अगर एक इंसान अपने गोल से चिपका रहे। इंडिया के फॉर्मर हॉकी कोच माइकल नॉब्स ने कहा था, सक्सेस हासिल करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होती है। सिर्फ टैलेंट आपको किसी भी चीज में सक्सेसफुल नहीं बनाएगा। फेल होने से ना डरें। अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो सर्कस में डरे नहीं। सील ट्रेनिंग में सर्कस का मतलब होता था सक्सेसफुल होने के लिए परफॉर्मर्स को उनकी परफॉर्मेंस सुधारने के लिए कई घंटों की ट्रेनिंग। जब कभी विलियम या उनके साथी तैरने के इवेंट में फेल होते थे तो वो सभी सर्कस के लिए चुने जाते थे। ये एक एडिशनल ट्रेनिंग थी जो दोपहर से दिन के आखिर तक चलती थी। जब कभी विलियम सर्कस के अंदर एंटर करते थे तो वो अगले दिन और ज्यादा चार्ज होते थे। इस वजह से वो और ज्यादा इवेंट में फेल होकर सर्कस की तरफ जाते रहे। जैसे सर्कस आते रहे, उनकी स्विमिंग बेहतर और आसान होती गई। वो पहले से ज्यादा मजबूत, तेज और कॉन्फिडेंट हो चुके थे। कहा जाता है अगर आप डटे रहते हैं और फेलियर को आपको सिखाने और मजबूत बनाने देते हैं, तो आप लाइफ के सबसे मुश्किल काम करने के लिए भी तैयार रहेंगे। सच्चे लीडर्स फेलियर से सीखते हैं, सीखे हुए लेसन को यूज करते हैं और अगला टफ डिसीजन लेते हैं। कोई भी इम्यून नहीं है। लाइफ में आप फेलियर फेस करेंगे और फेलियर आपको जकड़ते जाएंगे। शुरुआती फेलियर अक्सर कंपाउंड होकर एडिशनल फेलियर्स बन जाते हैं। इन फेलियर्स को एम्ब्रेस करें, ये आपको मजबूत बनाएंगे। हर फेलियर के लिए कई सैकड़ों सक्सेस मिलेंगी। एक इंसान एक ग्रुप को एक साथ रख सकता है। विलियम हेल वीक से गुजरने के दौरान अपना एक एक किस्सा बताते हैं। आधे रास्ते में कुछ ट्रेनी हार मानने वाले थे, लेकिन वो रुक गए जब उन्होंने एक आवाज सुनी। एक स्लीपी ट्रेनी कीचड़ में दौड़ने के दौरान एक गाना गा रहा था। जब ये आवाज एक से दो हुई और दो से तीन और कुछ ही देर में सभी गाने लगे। सील ट्रेनीज ने एक इंपॉर्टेंट लेसन सीखा। लेसन ये कि एक पर्सन में भी किसी ग्रुप को यूनाइट करने की, अपने आसपास के लोगों को इंस्पायर करने की और उन्हें उम्मीद देने की पावर होती है। उम्मीद इस दुनिया की सबसे पावरफुल फोर्स है। कभी कभी बदलाव लाने के लिए और उम्मीद जगाने के लिए सिर्फ एक ही इंसान काफी होता है। बदलाव लाने के लिए
आपको ऐसे रिस्क का अंदाजा लगाना होगा जो कैलकुलेटेड हो, थॉटफुल हो और वेल प्लान्ड हो। इसके लिए आपको अपनी एंजाइटी से पार जाना होगा और अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना होगा। अपनी लिमिट्स पहचानें, लेकिन कोशिश करने के लिए खुद पर भरोसा भी करें। लाइफ एक स्ट्रगल है और फेलियर की संभावना हमेशा बनी रहती है, लेकिन जो लोग फेलियर, मुश्किलों या शर्म से डरे रहते हैं, वो कभी भी अपना पोटेंशियल नहीं पा सकते। बिना अपने लिमिट्स को पुश किए, बिना कभी कभी रस्सी से फिसले, बिना हिम्मत करके, आप कभी भी नहीं जान पाएंगे कि आपकी लाइफ में सच में क्या पॉसिबल हो सकता है। अंधेरे पलों के दौरान अपने अंदर गहराई तक पहुंचें। अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो डार्केस्ट मोमेंट में भी अपना बेस्ट दें। विलियम एक ऐसे वक्त के बारे में बताते हैं जब उन्हें पानी के नीचे बिल्कुल अंधेरे में 2000 मीटर तक तैरना होता था। हम सभी जिंदगी के एक अंधेरे हिस्से का सामना करते हैं। किसी अपने को खो देना या डिवोर्स हो जाना आपके स्पिरिट को खत्म कर सकता है और आपको भविष्य की चिंता में छोड़ सकता है। उस अंधेरे पल में खुद के गहरे हिस्सों में जाएं और खुद का बेस्ट वर्जन बने। बुलीज लाइफ के सभी हिस्सों में एक जैसे होते हैं, स्कूल, वर्कप्लेस, गवर्नमेंट, हर जगह। वो आतंक पर जीते हैं, डर में पनपते हैं। बुलीज दूसरों को डराकर, उन्हें नीचा दिखाकर स्ट्रेंथ हासिल करते हैं। जैसे कि एक शार्क पानी में डर को महसूस कर लेती है और आसपास देखती है कि उनका शिकार कहां पर स्ट्रगल कर रहा है। वो इस चीज की परख करते हैं कि उनका शिकार कमजोर हो। बुलीज को अपनी कमजोरी ना दिखाएं, अपनी जगह पर खड़े रहने की हिम्मत दिखाएं। यह आपके अंदर मौजूद है। रिस्क लें और इसका फायदा उठाएं। अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो आपको रिस्क लेना होगा। विलियम को एक सील ट्रेनिंग के दौरान एक ऑब्स्टेकल कोर्स से गुजरना पड़ा। जब पहली बार उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने इसे सावधानी से किया, इसे सेफ खेला और धीरे से अपना सर रस्सी के नीचे से निकाला। दूसरी बार ये काम और तेजी से हुआ, लेकिन साथ ही ये ज्यादा रिस्की भी था। एक हफ्ते बाद विलियम ने रिस्क लेने का और खुद का एक पर्सनल रिकॉर्ड बनाने का डिसाइड किया। ये उनकी घबराहट पर काबू पाने और अपनी क्षमताओं पर भरोसा करके काम खत्म करने के लिए एक सिंपल लेसन था। जब भी लाइफ मुश्किल हो तो उन मोमेंट्स पर खड़े रहें। हम समय समय पर मुश्किल वक्त का सामना करते हैं। जब ऐसा होता है, खुद के अंदर जाएं और अपना बेस्ट वर्जन बनें। विलियम कहते हैं, किसी अपने को खो देने से ज्यादा डार्क मोमेंट कोई नहीं होता। ये मैंने कई बार देखा, लेकिन एज अ फैमिली, एज अ मिलिट्री यूनिट, एज अ टाउन, एज अ सिटी और एक देश की तरह हम मुश्किल समय में किस तरह एक साथ आ जाते हैं। हम सब में बहुत हिम्मत है। अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो आप में हिम्मत जरूरी है। ऐसा गोल बनाएं जो नया हो, मुश्किल हो और ये आपको हिम्मत दे। हिम्मत एक रिमार्केबल क्वालिटी है। इसके साथ कोई भी और कुछ भी आपके रास्ते में खड़ा नहीं हो सकता और आप कोई भी गोल पा सकते हैं। अगर आप में अपनी जगह पर खड़े होने की हिम्मत नहीं है तो दुनिया में बैठे बुलीज आप पर अटैक कर सकते हैं। जिंदगी में आपके गोल्स अचीव करने के लिए आपको एक हिम्मत से भरा आदमी होना होगा। यह हिम्मत हम सभी के अंदर है। अंदर तक जाएं और आप इसे अपने अंदर बहुत सारी मात्रा में देख पाएंगे। उम्मीद दुनिया की सबसे पावरफुल फोर्स है। दूसरों को इंस्पायर करने के लिए सिर्फ एक आदमी की जरूरत होती है। उम्मीद कॉन्टिजियस होती है। जब मुश्किल समय होता है तब दूसरों को उम्मीद से प्रभावित करें। दुनिया को बदलने के लिए परसिस्टेंस की जरूरत है। विलियम की सील ट्रेनिंग के पहले दिन उनके इंस्ट्रक्टर उन लोगों को एक ब्रास की घंटी के पास ले जाते हैं। वो बताते हैं कि घंटी को बजाना तुम्हारे सारे ट्रेनिंग के दर्द और हैरेसमेंट को खत्म कर देगा, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि तुमने क्विट कर दिया। विलियम रिकमेंड करते हैं कि कभी भी बेल को ना बजाएं। अगर आप लगे रहते हैं और घंटी को छोड़ देते हैं तो आप खुद को दुनिया को बदलने की संभावनाओं के लिए खोल देते हैं। कभी हार ना माने। जिंदगी मुश्किल वक्त से भरी पड़ी है, लेकिन कोई ऐसा हर बार मिलेगा जिसकी हालत आपसे भी ज्यादा खराब है। अपने सपनों पर गिव अप ना करें। जिस तरह से आपको ट्रीट किया गया है उससे अगर आप अपने दिनों को निराशा और हताशा से भर लेते हैं, अपनी हालत के लिए किसी और को या किसी चीज को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो मानकर चलिए कि लाइफ बहुत लंबी और मुश्किलों से भरी होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो अपने दिन की शुरुआत एक टास्क को कंप्लीट करने से करें। खुद से सब कुछ करने की कोशिश ना करें। ग्रिट और डिटर्मिनेशन टैलेंट को भी जीत लेते हैं। लाइफ फेयर नहीं है, इसे एम्ब्रेस करें। कैलकुलेटेड रिस्क लें। बुलीज का सामना करें। जब लाइफ मुश्किल हो तब इसके सामने खड़े रहें। जब समय मुश्किल हो तब लोगों में उम्मीद जगाएं और कभी हार ना माने। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप आप इस किताब के सभी लेसन्स को अपनी लाइफ में अपनाकर अपनी लाइफ को और भी बेहतर तरीके से जी पाएंगे। आप इस बुक को ऑर्डर करके और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं।
इसके साथ साथ आप कुकू एफएम को डाउनलोड करके डिस्काउंट के लिए NY50 कूपन कोड यूज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें, इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जहां हम अलग अलग बुक की नॉलेज को डेली शेयर करते हैं। अगर आप हमसे कोलैबोरेशन या प्रमोशन में हेल्प लेना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। अगर आपको लगता है ये वीडियो दूसरों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।